फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ इस प्रोडक्ट का, बजाज आलमंड ड्रॉप्स नॉनस्टिक हेयर ऑयल का पूरा डिटेल में रिव्यू शेयर किया था, अपने व्यू शेयर करे थे। बेसिकली एक पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया था मैंने आपके साथ कि मुझे कैसा लगता है जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया था तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे थे, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे, नेगेटिव भी आए थे, पॉजिटिव भी आए थे, अगेंस्ट में, फेवर में, इस प्रोडक्ट के बारे में। जितना लोगों को जैसे रिजल्ट्स मिले वो जितना सोचते हैं इसके बारे में, वो सारे रिस्पॉन्स उस वीडियो में, उस नीचे कमेंट सेक्शन में आए थे। उस वीडियो में मैंने जो भी अपने व्यूज शेयर करे थे उस टाइम, जो मुझे लगा, मतलब जैसे मैंने उसको यूज़ किया उस टाइम मुझे जैसे रिजल्ट्स मिल रहे थे, जैसा मुझे फील हो रहा था, उस बेसिस पे मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था आपके साथ उस वीडियो में। और जब मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर करी थी ना, तब मैं इस ऑयल को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही थी। उस वीडियो को अपलोड करने के टाइम, मतलब जब यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी उसके बाद भी मैं उसको रेगुलर यूज़ करती थी। मतलब जब भी मैं हेयर वॉश करती थी उससे पहले मैं उसको हेयर ऑयलिं, जैसे हम करते ही हैं हेयर वॉश करने से पहले मैं हेयर ऑयलिंग करती थी इससे, और फिर मैं सुबह हेयर वॉश कर लेती थी। तो मुझे, मतलब जब उस टाइम तक मेरी ये हाफ बॉटल कंप्लीट हुई थी जब मैंने आपके साथ अपना रिव्यू शेयर किया था, इस बॉटल की हाफ, मतलब आधा तेल मैं ख़त्म कर चुकी थी जब मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था आपके साथ, वो वीडियो जब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे जैसे बॉटल मेरी ख़त्म हो रही थी, मैं उस ऑयल को अप्लाई कर रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला, मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जो अनएक्सपेक्टेड थे। ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी, मतलब आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी। पहली बात तो ये कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी अगेंस्ट में या फेवर में नहीं हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे जैसा सूट करता है, जैसे मुझे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बात अब आती है कि जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया ना, जब पूरी बॉटल ख़त्म हो चुकी थी। एक बार देखो, जब हम प्रोडक्ट को कम से कम 3 या 4 बार यूज़ कर लेते हैं ना, उसके बारे में पता चलने लग जाता है कि वो प्रोडक्ट हम पे कैसे सूट करता है, कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को पूरा ख़त्म कर देते हैं ना, उसके बाद हम पूरा अच्छे से बता सकते हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करता है, किन किन लोगों पे ये सूट कर सकता है, किस तरह से ये मतलब नुकसानदायक है या फिर हमें फ़ायदा करेगा, मतलब जो भी, वो हमें पूरे प्रोडक्ट के कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं उसका एक रिव्यू, एक डिटेल रिव्यू। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इस को जब ये मेरी पूरी बॉटल फिनिश हो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिले जो मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। रिजल्ट्स ये थे कि जैसे जैसे इसकी बॉटल ख़त्म होती रही, वैसे वैसे मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा शुरू हो गई। मुझे कभी इतना हेयर फॉल नहीं होता था, और मुझे अपने बालों के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है ना कि मेरे बाल कब क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्यों इतना हेयर फॉल होता है, कहाँ कहाँ पे मेरे मतलब हेयर ग्रोथ है, कहाँ पे नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मतलब मुझे मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम है, A to Z मुझे अपने बालों के बारे में पता है। तो मेरे हेयर फॉल होने शुरू हो गए थे, और इतने भयंकर होने शुरू हुए थे ना, मतलब मैं समझा नहीं सकती। मुझे लगा शायद हो सकता है कि किसी मौसम के चेंज होने की वजह से होगा, या फिर कुछ रीज़न अलग होंगे, तो मैं इसको यूज़ करती जा रही थी। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला, मुझे पूरा श्योरिटी हो गई कि ये और कोई रीज़न नहीं, इस ऑयल को यूज़ करने के बाद, इस बजाज आलमंड ड्रॉप्स नॉन स्टिकी हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रही है, उस टाइम ही मैंने बंद कर दिया। तो एक मुझ जैसी लड़की जो अपने बालों की इतनी केयर करती है, हेयर ऑयलिंग, शैम्पू, सिरम, कोमिंग, मतलब जो भी एक बालों को हेल्दी रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए जो भी किया जा सकता है, मैं अपने बालों के लिए सब कुछ करती हूँ। और अगर अचानक से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होने लग गई, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कैसा फील होता है। इस साइड इतना गंजा फील होने लग गया था ना, आगे की साइड पे ही, मतलब उस टाइम की जो फीलिंग थी ना। तो अब इस प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करने से पहले, मैं सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर करी। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही थी कि मैंने सुना था कि ये ऑयल सूट नहीं करता। मैं आपको आगे बताऊँगी, पूरा डिटेल में बताऊँगी कि क्यों ये सूट नहीं करता, इसमें से क्या प्रॉब्लम है।
बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी रिव्यू शेयर कर रखे थे। जब मैंने अपनी वो वीडियो शेयर करी थी उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बता रखा था कि ये हेयर ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके बालों के लिए बहुत एक ख़राब हेयर ऑयल है। लेकिन फिर भी मैंने इसको एक ट्राई दिया और जब हाफ बॉटल जब मेरी फिनिश हो गई थी तब मैंने अपना रिव्यू शेयर किया और एक पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया। और उस वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था, मतलब आपको बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट को तब जज करती हूँ, उस बेसिस पे जज करती हूँ कि मुझे उसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो मेरे बालों पे कैसे वर्क करता है। उसके इंग्रेडिएंट्स को साइड में रख कर मैं उस बेसिस पे आपको बताती हूँ कि वो प्रोडक्ट मुझ पे कैसे वर्क किया है। लेकिन मैं उस वीडियो के लिए वो गलत थी, वो वीडियो मैंने अब प्राइवेट कर दिया है। और ये बात मैं आपको बहुत टाइम से, मतलब सोचो 1 साल पहले मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर करी थी और 1 साल से मैं ये वाली वीडियो बनाना चाहती थी, मतलब जो मैं शूट कर रही हूँ ये वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो जब उस वीडियो के 3-4 महीने बाद मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी ना, उस टाइम ही मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ये इसका पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया है आप सबके साथ, तो अगर किसी ने ये वीडियो देख ली और इसको हेयर ऑयल को यूज़ किया तो उसको ये प्रॉब्लम ना होनी शुरू हो, इसलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। तो जब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हुई ना, मेरे को गंजेपन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मैंने सब कुछ साइड में रखा। सबसे पहले आलमंड ऑयल, बादाम का तेल जो होता है, उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। देखो जब मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ ना, उससे पहले मैं अच्छे से डीपली उसके बारे में रिसर्च करती हूँ। और उस टाइम पता नहीं मेरे को ऐसा क्या सूझा कि मैंने इसके बारे में कोई डीप स्टडी करी नहीं, इस ऑयल के बारे में या आलमंड ऑयल के बारे में। मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे उस टाइम, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, मतलब बाल धोने के बाद भी मेरे बाल स्मूथ रहते थे, कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ रही थी। तो मैंने अपना एक पॉजिटिव रिव्यू शेयर किया। लेकिन जब मुझे इससे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो मैंने अच्छा एकदम खोज डाला पूरा इंटरनेट इस प्रोडक्ट के बारे में और आलमंड ऑयल के बारे में। देखो सबसे पहले तो आप एक बात जान लो कि कोई भी ऑयल नॉन स्टिकी नहीं होता। यहाँ पे लिख रखा है नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, आप ऐसा बता दो कि आपने कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो वो नॉन स्टिकी है या नहीं। हम जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं वो भी नॉन स्टिकी नहीं होता है, ठीक है। फिर एक और बात, देखो मुझे ज़्यादा बादामों की, मतलब बादामों की बहुत सारी वैरायटी आती है, सबके बारे में नहीं पता, लेकिन जो हम घर में यूज़ करते हैं हम वो शेल वाले यूज़ करते हैं, मतलब जिनके ऊपर छिलका होता है उन छिलके को हटा के फिर उनके अंदर से बादाम निकलता है, तो वो हम बादाम यूज़ करते हैं। और वो 500 ग्राम का आता है, 680 का, 500 ग्राम्स के जो बादाम हम लाते हैं ना वो पड़ता है 680 रुपीज़ का। और इस आलमंड ऑयल की जो प्राइस है ना वो है 125 200 ml की। तो ये 200 ml की जो 125 रुपीज़ की जो प्राइस है और ये क्लेम करते हैं कि ये आलमंड ऑयल है, तो मुझे एक बात बता दो भाई कि अगर इसमें आलमंड ऑयल है और अगर आप ऐसा बता रहे हो कि इसमें रियल आलमंड ऑयल है, तो जो एक वो जो छिलके वाले आते हैं ना हमारे घर में वो यूज़ होते हैं, तो वो जो छिलके वाले जो बादाम है वो खुद 680 रुपये के, वो भी 500 ग्राम, वो खुद इतने महंगे आते हैं। तो आपने इसमें पैकेजिंग भी कर दी, आपने इसमें लेबल भी चिपका लिया, इसकी बॉटल मतलब ये ग्लास की बॉटल है, आजकल तो प्लास्टिक की भी आ रही है, आपने इसका कैप भी लगा दिया, आपने इन्फ्यूज़न जो भी आपको मतलब प्रिजर्वेटिव जो भी डालने होते हैं वो डाल लिए, आपने सब कुछ रेडी कर दिया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिला के आपको 125 का पड़ा ये ऑयल, मतलब इतना सस्ता। जो नेचुरल जो बादाम आते हैं, मतलब जो बादाम आते हैं जो हम खाते हैं वो खुद इतने महंगे आते हैं, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स में सबसे महंगे बादाम ही आते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ड्राई फ्रूट सबसे महंगे बादाम ही आते हैं और वो खुद इतने महंगे आ रहे हैं, तो आप कैसे इस प्रोडक्ट को इतना कम रेट पे दे सकते हो। या तो एक ही बात है कि या तो आप चैरिटी करना चाहते हो कि भाई हमारा हेयर ऑयल इतना सस्ता है फिर भी इतना अच्छा है, ये बात होगी, या तो या फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने पूरी रिसर्च करी आलमंड ऑयल के बारे में, जो आलमंड की जो मतलब जो बादाम की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है, और उसमें से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, मतलब जो एक बादाम होता है ना उसमें से सिर्फ एक बूंद निकलती है उसकी ऑयल की, जो आलमंड ऑयल की सिर्फ एक बूंद निकलती है एक पूरे होलसम
आलमंड में, एक पूरे होलसम बादाम में, उसमें सिर्फ एक बूंद निकलती है, और उन सब बूंदों को इकट्ठा करके आपने इतना सस्ता कैसे हेयर ऑयल बना लिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बताइए आप। और वो भी सारी कॉस्ट इंकर्ड करने के बाद भी इतना सस्ता हेयर ऑयल कैसे पड़ा आपको? चलो अब अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो इसमें है LLP 77%। आप जानते हैं ना LLP क्या होता है? और जितने लोगों को नहीं पता, LLP होता है लाइट लिक्विफाई पैराफिन। एक मिनरल ऑयल होता है जो जब हम जमीन गाड़ते हैं ना तेल निकालने के लिए, उस टाइम जो ऑयल निकलता है ना उसमें से ही निकलता है मिनरल ऑयल। मतलब जो पेट्रोल में यूज़ होता है ना उसमें भी LLP होता है, जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो देखो जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो हेयर ऑयल ये इसमें डाल रहे हैं। चलो उसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर अगर दूसरा चीज़ देखा जाए तो इसमें मस्टर्ड ऑयल, जिसमें इंक्लूड है स्वीट आलमंड ऑयल, मतलब जो बादाम का तेल होता है ना वो मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स है, और ये दोनों मिला गया है 21%। मतलब इसमें आलमंड ऑयल कितना है, मस्टर्ड ऑयल कितना है, वो उसका रेशियो इसमें गिवन ही नहीं है। फिर है इसमें परफ्यूम, मतलब जो इसमें स्मेल आती है ना, जिसकी वजह से मैं भी पागल हो गई थी उसको यूज़ करने वक्त, और ऐसी जो उसकी स्मेल आती है जो हमारे सर पे चढ़ जाती है कभी कभी, तो ऐसे कुछ लोगों को लगता है ना कि बादाम का तेल है जिसमें से स्मेल आती है भीनी भीनी, जैसे मुझे फील हुआ था, वो परफ्यूम है इसमें। फिर इसमें विटामिन ई एक्सट्रैक्ट, मतलब इसमें एक विटामिन ई है। चलो पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब जो शुरू शुरू में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना लाइन बाय लाइन वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और आखिरी में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सबसे कम होते हैं। और एक और बात, जो प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है ना उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 100% का कोई इसमें कंपोजिशन हो रखा है, तो इसमें 77% तो LLP मतलब मिनरल ऑयल दे रखा है, तो बाकी का कितना सा रेशियो होगा? और चलो इसमें मस्टर्ड ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल 21% है, तो बाकी का विटामिन ई कितना होगा इसमें, आप ही बताओ। फिर इसमें दे रखा है TBHQ, मतलब कोई प्रिजर्वेटिव है, और यहाँ पे दे रखा है Type 3 हेयर ऑयल। आप जानते हो Type 3 हेयर ऑयल क्या होता है? जिसमें वेजिटेबल ऑयल मिक्स होता है, जो हम खाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं ना वो इसमें मिक्स होता है। फिर यहाँ पे दे रखा है #as compared to अनब्रांडेड स्वीट आलमंड ऑयल, मतलब ये अपने आपको कंपेयर कर रहे हैं कि जो अनब्रांडेड आलमंड ऑयल है ना उनसे अपने आपको कंपेयर कर रहे हैं कि ये उनसे अच्छा है। फिर यहाँ पे आगे दे रखा है कि इसमें 300% विटामिन ई है। आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे मिनरल ऑयल है 77%, और आगे दे रखे हो कि इसमें 300% विटामिन ई है, और किसी भी चीज़ का कंपोजिशन 100% होता है, मतलब अगर किसी में इंग्रेडिएंट लिस्ट जो मेंशन कर रखी है ना उन सबको मिला के 100% माना जाता है, उन सबको बाइफरकेट करके टोटल अगर देखा जाए ना तो उसको 100% माना जाता है। और आप कहाँ से 300% कर रहे हो जब आपने इसमें 77% मिनरल ऑयल डाल रखा है? मतलब अगर ये इतनी बड़ी बॉटल है ना, यहाँ तक अगर चीज़ आती है तो अगर इतना, मतलब आधे से ज़्यादा इसमें मिनरल ऑयल ही है सिर्फ, और बाकी का मतलब आपने जो भी डाल रखा है इसमें वो है, आधे से ज़्यादा चीज़ में मिनरल ऑयल है, और वो आप दे रहे हो हमें बालों में लगाने के लिए, जो और वो मिनरल ऑयल जाता है पेट्रोल में, और आपने इसमें दे रखा है Type 3 हेयर ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल में जाता है, तो मतलब क्या ही कहें इसके। इसमें ऐसे दे रखा है कि ये 300% विटामिन ई ऑयल आपके हेयर फॉलिकल्स को इम्प्रूव करता है, आपके स्टिमुलेट करता है, आपके बालों को नरिश करता है, स्ट्रेंथन करता है, आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है टिप्स से, मतलब जो हमारे जो रूट्स से लेकर जो हमारे लेंथ होती है ना वहाँ तक उसको स्ट्रांग बनाता है। आप एक बात बताओ, इतना मिनरल ऑयल डाल के आप कहाँ से बालों को स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रहे हो, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो? आपको पता है जो मिनरल ऑयल होता है वो हमारे बालों को क्लॉक करता है, और अगर आप सर्च करने बैठोगे ना कि मिनरल ऑयल फॉर हेयर, तो उसमें ये लिखा आएगा कि मिनरल ऑयल बालों की जो पोर्स होते हैं ना, जो फॉलिकल्स होती हैं उनको क्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपको गंजेपन की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। आप जो सोचते हो ना इसके बाद आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हुई, वो गंजेपन तक जाती है, मतलब आपके बालों को गिराती है, और एक बार हेयर फॉल्स वीक हो गए ना उसके बाद आप कुछ भी कर लो आपके बालों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता, कोई भी रेमेडी ठीक नहीं कर सकती, एक बार अगर आपके बालों की फॉलिकल्स चली गई तो बताओ कंक्लूजन क्या निकलता है? इसमें मिनरल ऑयल है, परफ्यूम है, चलो परफ्यूम को छोड़ भी दो, इसमें मिनरल ऑयल है 77%। मैंने जो वो वीडियो शेयर करी थी ना उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि इसमें मिनरल ऑयल है जो आगे जाके कैंसर
जो एक बहुत बड़ी डिजीज मानी जाती है उस तक को मिनरल ऑयल कर देता है। मतलब मिनरल ऑयल से हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जैसी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला था कि उन्होंने इसको यूज़ किया और उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम में। कुछ लोग, मुझे तो इस बॉटल को आधी ख़त्म करने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उन लोगों को तो इस बॉटल को स्टार्ट करते वक्त, जब इन्होंने उसको यूज़ किया उस टाइम इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरी ये गलती है कि मैंने इस प्रोडक्ट को पूरा यूज़ करके, सबसे पहले तो मैंने इस प्रोडक्ट को पूरा यूज़ करे बिना अपना रिव्यू शेयर किया। दूसरा, मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बिना रिसर्च करे, मतलब मैं हर एक वीडियो जो भी प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करती हूँ ना आपके साथ, उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे से डीपली रिसर्च करके कि इसमें क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो सब सर्च करके आपके साथ फिर किसी का प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ। लेकिन क्योंकि ये बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, आप सब जानते हो कि बहुत पुराना हेयर ऑयल है, तो मैंने सोचा कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जैसे रिजल्ट्स मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मुझे लगने लगा, मुझे जैसे रिजल्ट्स मिले कि इसको यूज़ करने के बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है हेयर फॉल की, जिससे आपको गंजेपन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और आपके बालों की जो फॉलिकल्स हैं, जो पोर्स हैं, वो क्लॉग होने लग जाएंगे, जिससे आगे जाके आपके बालों की सिर्फ बैंड बचने वाली है और कुछ भी नहीं। तो मैंने, और उस टाइम मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना वाली थी लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं कर पाई, तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दी। तो अब बात तो क्लियर हो गई ना कि आपको ये ऑयल यूज़ नहीं करना है, किसी को भी ये ऑयल यूज़ नहीं करना। देखो मेरी मानो, अगर आपको अभी भी इस ऑयल से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आपको अपने बालों स्मूथ लग रहे हैं जो मुझे भी लग रहे थे, आपको कोई भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो भी प्लीज़ आप इसको यूज़ मत करिए, क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल है और आगे जाके वो कहीं ना कहीं आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम देगा ही। मुझे भी पता नहीं था कि ये ऐसा काम कर देगा। मतलब मैंने वो वीडियो इतनी यकीन से बनाई थी ना कि नहीं, आपको जैसे प्रोडक्ट आप पे वर्क करता है उस तरह से हमें सोचना चाहिए, ना कि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखनी चाहिए। इतनी बड़ी बात बोली थी, और वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि इससे कैंसर हो सकता है, इस मिनरल ऑयल से कैंसर हो सकता है, या आपके बालों के लिए ठीक नहीं है, आपको हेयर फॉल देगा। फिर भी मैंने उनकी नहीं मानी, और उस टाइम जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था, जो रिजल्ट्स मिले थे, उस बेसिस पे मैंने आपके साथ वो रिव्यू शेयर किया था। तो अब ये आलमंड ऑयल तो हम यूज़ कर नहीं सकते, आलमंड ऑयल तो छोड़ो पता नहीं क्या है, तो अब हम ये हेयर ऑयल तो यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करें, मतलब कौन सा आलमंड ऑयल हमारे बालों के लिए ठीक है। आपने इस हेयर ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा ना, ये रोगन बादाम शरीन स्वीट आलमंड ऑयल, जो 100% प्योर आलमंड ऑयल है। तो जब ये हेयर ऑयल ने, इस बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल ने मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ना, तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और तब मुझे इसके बारे में पता चला, रोगन बादाम शरीन स्वीट आलमंड हेयर ऑयल के बारे में। तो तब मैंने इस आलमंड ऑयल की ये छोटी पैकेजिंग खरीदी थी जो 25 ml की आती है, और फिर देखा था कि इसके कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यकीन मानिए, ये वाला हेयर ऑयल सच में प्योर है। आप इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखेंगे ना, देखो इसकी, पहले तो इसकी 25 ml की पैकेजिंग सिर्फ आती है 115 में, मतलब 25 ml की जो इसकी पैकेजिंग है, ये जो छोटी वाली जो बॉटल है, ये पड़ती है 115 rupees की। और अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे ना, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो लिखा है, ईच डोज ऑफ 5 ml कंटेन्स 5 ml ऑफ रोगन बादाम शरीन ऑब्टेन ऑफ मक्स बादाम शरीन। मतलब मक्स एक बादाम का टाइप है, जो बहुत वैरायटी के जो बादाम आते हैं ना, तो उसमें से मक्स एक बादाम का टाइप है। मतलब इसमें सिर्फ बादाम का तेल है, जो बादाम से जो एक्सट्रैक्ट किया है ना वो तेल है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी परफ्यूम नहीं है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ कर रखा होगा और आपको पता होंगे इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, लेकिन जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है ना, इस आलमंड ऑयल की, इस ब्रांड की, तो मैं फ़ैन ही हो गई हूँ। और ये एडेबल है, मतलब आप इसको बालों में लगा सकते हैं हेयर ऑयलिंग के लिए, आप इसको खा सकते हैं, आप इसका एक छोटा चम्मच दूध में मिला के पी सकते हैं। ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, यह आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपके सर सर में कभी कभी दर्द होता है ना, तो अपने सर में बस इस हेयर ऑयल की चम्पी कर लो,
आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके स्ट्रेस होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, फिर आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाएगा, आपके टेंशन को दूर करेगा, इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, या आपकी डैंड्रफ को ठीक करेगा। और सर्दियाँ, मतलब अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो सर्दियों के लिए ये हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम गर्माहट फील कराएगा, मतलब आपके जो स्कैल्प है ना, आपको इतना वार्म फील होगा ना, आपके सर में कभी कभी होता है ना कि ठंड के मारे हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके बोन्स को, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके बोन्स के लिए अच्छा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी मालिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये हेयर ऑयल नंबर 1 मान लो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमदर्द ब्रांड का ऑयल है, रोकर बादाम शीरीन स्वीट आलमंड ऑयल, और सच में ये हेयर ऑयल 100% प्योर है, मतलब इसमें सिर्फ आलमंड ऑयल ही है और कुछ भी नहीं है। आप इसको यूज़ करोगे ना, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर ऑयल है। आपको कभी कभी होता है ना कि हम बालों में तेल लगाते हैं तो वो हमारे चेहरे पे आ जाता है, जिससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसको लगाओगे ना बालों में, अगर आपके चेहरे पे भी आ गया ना, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इसको एज अ फेशियल ऑयल यूज़ करते हो ना, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने एक्ने पिंपल्स को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, आपके स्किन की जितनी भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको ठीक करता है। चलो, इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी है बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। फिलहाल इतना मैं बताना चाहूँगी, अगर आप कोई आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं ना, किसी पे अगर आप भरोसा कर सकते हैं, तो वो है ये रोगन बादाम शीरीन का हेयर ऑयल, मतलब ये रोगन बादाम शीरीन का ऑयल जो एडेबल है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप बालों के लिए कोई भी आलमंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जो आलमंड होता है ना, बादाम, उसमें होता है विटामिन ई, और आप सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग बॉटल में आता है, मतलब इसकी अलग अलग पैकेजिंग है, ये छोटी सब ये सबसे छोटी पैकेजिंग है, इससे बड़ी भी एक बॉटल आती है, वो भी मतलब थोड़ी कॉस्टली है लेकिन वर्दी है। मतलब अगर कोई चीज़ अगर महंगी है लेकिन अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो हम उसको क्यों ना लें अगर वो प्योर है। तो अब आप समझ गए होंगे, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये अपना डाउट क्लियर करना चाहती थी, जो शायद यार मेरे वजह से थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी कि मैंने वो वीडियो शेयर करी, लेकिन वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी थी, मतलब हटा ली थी अपने चैनल से, जिससे आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया ना आपको? आपको ये वाला हेयर ऑयल, ये बजाज आलमंड ड्रॉप्स सो कॉल्ड नॉन स्टिकी हेयर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप अभी यूज़ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो भी इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको कंजापन पक्का होने वाला है अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करोगे तो। स्मूथनेस छोड़ो, मुझे मैं भी पागल हो गई थी स्मूथनेस के पीछे, कि भाई बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहे हैं, इसको हेयर वॉश करने के बाद भी बाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, धोखा है, मैं बता रही हूँ। तो से नो टू दिस एंड से येस टू दिस, इस हेयर ऑयल को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने जैसे आपको बताया ही कि इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो अलग से शेयर करूँगी कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी भी मैंने देखा, कल ही देखा है कि YouTube पे अभी भी इस प्रोडक्ट की बहुत सारी ऐसी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें इसका प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो पॉजिटिव दिखाया गया है। प्लीज़ उसको मत मानिएगा, ये हेयर ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें मिनरल ऑयल है यार, मतलब 77% अगर कंपोजिशन कम होती ना, फिर भी हम मानते हैं, लेकिन 77% मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल पेट्रोल में डाला जाता है, और अगर वो बालों में डालें ना, बालों की बैंड बच जाएगी और कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इसको यूज़ करना बंद कर देना। बाकी तो आप समझदार हैं, आपको पता ही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यार मैं ये देख रही हूँ यार, जितने लोग देखते हैं ना वीडियो को, वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना, उसको भी ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।